जांच पड़ताल की पूरी रिपोर्ट देखें। आजम पर आफत जौहर यूनिवर्सिटी में पुलिस का छापा मदरसे से चोरी हुई किताबें रखी होने की आशंका सदन में माफी मांगने के बाद भी आजम खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही भूमाफिया घोषित किए गए आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय पर फिर से पुलिस का छापा पड़ा इस दौरान पुलिस ने विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में जाकर भी जांच पड़ताल की लाइब्रेरी में रामपुर के मदरसा आलिया से गायब हुई किताबों को लेकर छानबीन की गई। लाइब्रेरी में और अन्य कुछ स्थानों पे जो सर्च है वो की जा रही है उसी सर्च में कई ऐसी किताबें जो कि चोरी हुई थी वो बरामद भी हुई हैं फिलहाल उनकी शिनाख्त उनकी पहचान कराई जा रही है और इसमें अन्य रेड्स भी लगातार की जा रही हैं पुलिस लगातार इसमें सर्च कर रही है ताकि जो भी अभियोग से पंजीकृत सामान है किताबें हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको बरामद किया जा सके आगे जो लीगल कार्रवाई है अभी फिलहाल जारी है प्रशासन से पूछना क्यों आई है पुलिस आप लोगों को नहीं जाने दे रहा क्यों नहीं आ रहे कहां जा रहे हैं चल लिए कि हम चोर आपके सामने थे में कितनी देर से मुझे गेट पे नहीं आने दिया अब 15-20 मिनट मुझे यहां खड़े हुए हो गए ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आतंकी आप अंदर किस लिए जाना चाहते हैं क्यों जाना चाहते हैं गाली करेंगे मैगजीन्स जो कि मैगजीन्स आती हैं नया दौर करके वो ये कह रही है चोरी की बुक्स हैं जो मैगजीन्स कभी चोरी की बुक्स हो सकती हैं क्योंकि मंथली जो आती हैं बुक्स पढ़ने के लिए दूसरी बात ये ना तो सर्च वारंट है ना उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से कोई परमिशन ली है सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट आए हैं और 100-150 से ज्यादा लोग हैं जो अंदर हैं और यहाँ के स्टाफ को अंदर ही जाने दिया जा रहा है बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी में ये छापा उस वक्त पड़ा है जब पहले से ही आजम खान जमीन कब्जाने के मामले में कई केसों में घिरे हुए हैं आजम खान पर पहले से ही अजीम नगर थाने में जमीन हड़पने को लेकर कुल 27 मुकदमे दर्ज है ब्यूरो रिपोर्ट भारत समाचार वहीं आजम खान के म्यूजियम में पुलिस और प्रशासन अफसरों ने छापेमारी की पुलिस और प्रशासन ने ताला तोड़ने के लिए लोहार को बुलवाया लेकिन ताला ना टूटने की वजह से अफसर लौट गए रामपुर में आजम खान के म्यूजियम को तोड़ने की कोशिश की गई लोहार तक को बुलवाया गया बावजूद उसके ताला टूट नहीं पाया और अफसर वापस चले गए पुलिस और प्रशासन जो अफसर हैं उनकी छापेमारी हुई है आजम खान के म्यूजियम में छापेमारी और मुश्किलों में निश्चित तौर पर आजम खान जिनकी मुश्किलें एक के बाद एक लगातार बढ़ती हुई और म्यूजियम में जब छापेमारी हुई तो वहां पर ताला लगा हुआ था वहीं खबर रामपुर से जहां पर आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर छापेमारी एसएसपी भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे यूनिवर्सिटी में लगे हुए हैं चोरी के शेर रामपुर कंट्री क्लब के दो शेर लगे हैं यूनिवर्सिटी में सभी अधिकारी जांच में जुटे हैं तो जौहर यूनिवर्सिटी में चोरी के शेर जौहर यूनिवर्सिटी में लगातार देखिए छापेमारी के बाद कई अहम खुलासे एसएसपी भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे हैं जिसमें करीबन 2500 से ज्यादा किताबें और दस्तावेज और कुछ अलमारी जो फर्नीचर से संबंधित बरामद हुई है आज भी उसमें जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया जिसमें कि माननीय विधायक सुहा टांडा के जिनके द्वारा वहां पर उसमें उसको इंटरफेयर किया गया उसमें बाधा डाली गई जिस संबंध में उनको डिटेन किया गया फिलहाल 151 में कार्रवाई की जा रही है और संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश किया जाएगा और सर्च ऑपरेशन में आज भी कुछ चोरी की जो किताबें हैं और कुछ अन्य दस्तावेज हैं वो बरामद हुए हैं और इसमें जो लीगल कार्रवाई है आगे वो पुलिस के द्वारा की जा रही है तो जो लीगल कार्यवाही है वो की जा रही है ऐसा कहना है कई चीजें पाई गई हैं जिसकी जांच अब चल रही है भारी पुलिस बल तैनात है और लगातार देखिए यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से ये पूरा मसला हुआ है उसके बाद पुलिस प्रशासन को काफी चीजें मिली हैं जो है यूनिवर्सिटी में छापेमारी रामपुर में और लगातार आजम खान की मुश्किलें बढ़ती हुई यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से किताबें बरामद की गई हैं और उसके बाद भी कई चीजें और हैं जिसकी जांच चल रही है और लगातार पुलिस प्रशासन हालांकि देखिए आजम खान पर शुरुआत मुश्किलों की अगर आप बात करें तो पहले किसान और व्यापारी जो हैं जो गांव वाले हैं ग्रामीण उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी जमीन को हत्याया गया है फिर ये चीजें बनी हैं और उसके बाद लगातार जौहर यूनिवर्सिटी में आप देखिए कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन
की छापेमारी हुई है और कई चीजें भी बरामद हुई हैं और आज ही इनके बेटे की भी गिरफ्तारी हिरासत में लिया गया है, पुलिस ने हिरासत में लिया है अब्दुल्ला आजम को। वहीं सपा का प्रतिनिधि मंडल ने आज राजभवन के गेट का घेराव किया। सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई। राजभवन के बाहर धरने पर सपाई बैठे हुए नजर आए। विधायक और नेता धरने पर बैठे। आजम के बेटे की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन। एमएलसी राजू यादव, आनंद भदौरिया भी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा, विजय यादव भी मौजूद। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम भी मौजूद रहे। राजभवन पर भारी पुलिस बल तैनात किए। अब्दुल्ला आजम की गिरफ्तारी का